लॉकडाउन में गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वालों से अब नालंदा पुलिस सख्ती से निपटेगी। यह बातें नालंदा एसपी हरिप्रसाद एस ने पुलिस लाइन में आयोजित क्राइम मीटिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया है उसका अनुपालन कराने में नालंदा पुलिस तत्पर है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में कुछ जगहों से लॉकडाउन उल्लंघन की शिकायतें मिली थी, वैसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस पदाधिकारियों को कोविड 19 गाइडलाइन का अनुपालन कराने का सख्त निर्देश दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी लोग इसका उल्लंघन करते पकड़े जाएंगे अब उन पर आपदा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह अनुपालन करने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी में आप भी सुरक्षित रहें और आपके परिवार भी सुरक्षित रह सकें। हम आपको बता दें कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बजे से 11 बजे तक जैसे आप लोग जानते हैं आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए वो आ सकते हैं और पुलिस द्वारा ये सब देखेंगे रिस्ट्रिक्शन लागू करने के लिए सतर्क प्रयास किया जा रहा है। कुछ जगह अब सही कहें शुरुआती दिन में थोड़ा ढिलाई हुआ है, उसको हम लोग आवश्यक कार्रवाई किए हैं और सख्ती से उसको अनुपालन किया है। जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उन पर अब कार्रवाई शुरू होगी, लगातार हो रही है, कार्रवाई हो रही है, और आदमी जो मास्क जो है नहीं पहन रहे हैं। आप अपील क्या करेंगे ऐसे परिवेश में आम लोगों से? मैं आम लोगों से अपील करूंगा जो है आप लोग अपने अपने जिम्मेवारी को महसूस करें, एज एन इंडिविजुअल एज ए सोसाइटी में आप लोगों की क्या भूमिका है। इसमें सिंपल है, आप मास्क पहनें और अनावश्यक बाहर ना निकलिएगा तो मतलब प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, मास्क पहने रहिए, दूरी बना के, बस इतने ही सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ नहीं। थैंक यू सर।